सच में डर लगता है क्या? ओके चलो, हाँ चलो। हर एक पार्ट पे डैमेज आया। मन इतना अच्छा फ्लर्ट करता है ना, जिंदगी भर ये वाला एक्सीडेंट याद रखूंगा। बस का सामने आके गिरे और मेरा काम पूरा, इधर का वाइजर टूट गया। हेलो गाइस, दिस इज अंशुल, आई एम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सारे लोग मेरी तरह बढ़िया होगे, एकदम बढ़िया ही रहना गाइस। और आज लगभग 10 दिनों के बाद मैंने अपना गोप्रो ऑन करा है। और ये क्या भाई, शायद से बाइक में पेट्रोल नहीं है, इसको सबसे पहले पेट्रोल पंप में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना झटका झटका टाइप मार रही है, कहीं भी बंद हो सकती है ये। इससे पहले कि ये मेरे को धोखा दे, फटाफट से इसमें पेट्रोल डाल देते हैं। बट यहाँ पे मेजर सीन ये है ना कि लगभग 8 दिनों से मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था। मतलब सारे ऑडियंस लोग ना कन्फ्यूज हो गए थे कि अमन भाई को हुआ क्या यार न्यू कार की डिलीवरी लेने के बाद। तो सीन ऐसा हुआ था ना कि न्यू कार की डिलीवरी लेने के ठीक एक दिन बाद ना मेरा एक्सीडेंट हो गया। कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ, इस बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। मेरे को ना यहाँ पे लगा और हाथों में लगा हुआ है, पूरा इधर का वाइजर टूट गया है, इधर का ना जो वो फुट रेस्ट वगैरह होता है, ब्रेक पैडल वगैरह होता है, सब कुछ टूट गया है, ये हैंडल पूरा टेढ़ा हो गया है। कैमरा तो कोई भी लगा सकता है ना, हाँ अपना सेफ्टी के लिए। पेट्रोल पंप पे भाइयों के बीच में ना थोड़ा सा डिबेट स्टार्ट हो गया अपना गोप्रो को लेकर के। दे आर आस्किंग कि गोप्रो तो बैन हो चुका है ना, मतलब हेलमेट पे लगा कर कि इस तरीके से रास्ते में नहीं घूम सकते, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, अपना सेफ्टी के लिए इंसान लगा ही सकता है। तो खैर ये अपना मेन मुद्दा नहीं है भाई, मेन मुद्दा ये है कि अपना एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। और ये ना भाई कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था, इनफैक्ट ये मेरे लाइफ का ना सबसे बड़ा मेजर एक्सीडेंट था। इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट मेरा आज तक लाइफ में नहीं हुआ है। और अगर मेरी गलती होती ना कोई, तो चलो भाई ठीक है यार, मेरी गलती की वजह से मेरे को चोट लगी है, यार मेरी कोई गलती नहीं थी। मतलब अचानक से कैसे गिर गया ना, मेरे को भी अब तक समझ में नहीं आया। बट भाई जो चोट लगा है ना यार, जिंदगी भर ये वाला एक्सीडेंट याद रखूंगा। आई थिंक ये अंदर का जो फ्रेम होता है ना, लोहे का फ्रेम, वो पूरा हिल गया, जिसके कारण यहाँ पे पूरा गैप वगैरह आ गया है। यहाँ पे स्क्रैचेस देख सकते हो, कितना भयंकर वाला स्क्रैच लगा है। यहाँ पे स्क्रैच चेक कर सकते हो, पूरा इधर पे ना एकदम लंबा वाला स्क्रैच लग चुका है। ये वाइजर यहाँ से पूरी फट चुकी है। एक्चुअली ये लीवर ना ऐसे स्ट्रेट रहता है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे चोट लगी थी बोल करके इस तरीके से बेंड हो गई है। और यहाँ पे ये चेक करो, राइट साइड का ये फुटरेस्ट गायब हो चुका है, ये ना एक्चुअली ऐसे रहती है, तो ये भी टेढ़ी हो चुकी है, यहाँ से देख सकते हो। और थोड़ी सी जोर से लगती ना तो ये यहाँ से बिल्कुल ब्रेक हो जाती, टूट जाती। इस वाले जगह पे स्क्रेचेस आ गए हैं, इंडिकेटर पे भी हल्की सी स्क्रेच पड़ी है, बट भाई ये इंडिकेटर टूटा नहीं, पूरा एग्जॉस्ट पे यहाँ पे दाग आकर के रखा है। यहाँ पे राइट साइड में हर एक पार्ट पे इम्पैक्ट आया है, लेफ्ट साइड में ना एज सच कुछ डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि बाइक ना राइट साइड में गिरी थी और मैं लेफ्ट साइड में गिरा था। मेरे बॉडी पे ना बहुत भयंकर वाला इंपैक्ट पड़ा है भाई, 6 दिनों तक मैं बेड से नहीं उठ पाया था और बुखार वगैरह भी आ गया था इसके चक्कर में। अभी मैं जा रहा हूँ पायल से मीट करने के लिए, तो नया नया कपड़ा वपड़ा डाल लिया हूँ भाई, एकदम फुल टू रेडी सेडी, मतलब फिट फाट होकर के निकला हूँ। तो आज मैं अपनी बाइक लेकर के जाने वाला हूँ, देख सकते हो मैंने हेलमेट ले लिया। उसके लिए मैंने हेलमेट नहीं लिया क्योंकि हम लोग ज्यादा लंबा राइड नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी अपनी बाइक की, ओ भाई साहब पैर में दर्द है यार, अभी अपनी बाइक की जो कंडीशन है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होकर के रखी। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इस बाइक को मैं इंश्योरेंस क्लेम पे डाल दूंगा, क्योंकि हर एक पार्ट पे डैमेज आया हो, तो खुद से ठीक कराने जाऊंगा ना तो लंबा बिल बन जाएगा, इसीलिए अच्छा मेरा बंपर टू बंपर वाला इंश्योरेंस मैंने लेकर के रखा है। लद्दाख राइड पे भी थोड़े बहुत डैमेजेस बाइक पे आए थे, तो सारी चीजें कवर हो जाएगी इंश्योरेंस में। ये गाइस कार का चाबी मैं घर से लेकर के निकला हूं, और अपनी कार ना इधर पे मैं पार्क नहीं करता हूं, घर से थोड़े डिस्टेंस पे पार्क करता हूं, इसीलिए अभी मैं आप लोगों को कार नहीं दिखा सकता हूं। वैसे कार में मैंने एक छोटा सा डैमेज कर भी दिया है। ऐसा सीन है ना कि कार में अपना हाथ सेट होकर के नहीं रखा है, अच्छे से मैं चला नहीं पाता हूं, बैक वगैरह अच्छे से नहीं कर पाता हूं, तो इसीलिए थोड़ा सा छोटा सा एक स्क्रैच लग गया है कार पे। फिलहाल सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज ये वाली मिरर है, देख रहे हो कितना ज्यादा हिल रही है भाई, इतना इरिटेट कर रही है ना ये वाली मिरर। कहीं पे सामने अगर जो दुकान वगैरह मिलेगा ना, तो मैं इसको फिक्स करा लूंगा। क्या पुल है भाई, मजा आ जाता है इसको पुल करने में। और ये जो साउंड निकालती है ना डुक 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 करके, मतलब लिमिटर पे, वो तो भाई पूरा दिल को छू जाती है। दादा ये लैंकी दी, एक तो टाइट कर दो ना नोच, नीचे रबर रहता है ना इसलिए लूज हो गया शायद। तो यहाँ पे मैंने ये वाली फिक्स करा ली, अब देखो कितना स्टेबल लग रहा है ना देखने में, अब चलाने में मजा आएगा, राइड करने में और राइड देने में मजा आएगा। हेलो, हाँ हाँ हो गए रेडी? ओके आता हूँ।
भाई साहब रेडी हो गई लड़की, चलो चलो फटाफट पिक करते हैं इसको। मैंने तो सुना था लड़कियां रेडी सेडी होने में, मेकअप वगैरह करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, बट भाई पायल ऐसा नहीं है, मतलब 10 मिनट से 15 मिनट एक्स्ट्रा इसको लगता है, मतलब जो टाइम बोली होती है। जैसे कि इसने बोला मैं आधे घंटे में रेडी हो जाऊंगी, तो ये 40 से 45 मिनट में रेडी हो गए। तो गाइस अभी ना मैं पायल के घर के सामने जा रहा था उसको पिक करने के लिए, बट उसने तुरंत फिर कॉल करके बोला कि घर के सामने मत आना, जहाँ पे लास्ट डे मेरे को पिक किए थे, मतलब जहाँ पे हम लोग लास्ट डे फर्स्ट मीट किए थे, वहीं पे खड़ा रहने के लिए बोली। और मैं अभी वहीं पे खड़ा हूँ, ये देखो अपनी बाइक यहाँ पे, ठीक है। लास्ट डे अपनी कार यहाँ पे खड़ी थी, बारिश हो रही थी, और आज बारिश नहीं हो रहा। ये चेक करो, पायल आ चुकी है। हेलो, हाय यार, बहुत अच्छी लग रही हो आज। कैसी हो? यार फिर भूल गया मैं। क्या यार, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेना भूल गया। मैं जब घर से निकल रहा था, मैं सोचा था चॉकलेट लूंगा करके फिर भूल गया। चलो कोई नहीं, अभी फिर ले लेते हैं, ठीक है ना? पक्का दूंगा यार, मेरे को बाइक में डर लगता है। मेरे को बाइक में डर लगता है, तो थोड़ा धीरे चलाना। धीरे ही चलाऊंगा, छोटा सा ही राइड दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम नॉर्मल। हाँ पक्का पक्का, फर्स्ट टाइम तुम्हारा मतलब मेरे साथ बाइक राइड होने वाला है ना, वो सुपर बाइक पे भी राइड दूंगा एक दिन। बट बहुत जोर से, वो जोर से ही चलता है, उसको जस्ट ऐसे पिकअप दूंगा, उसमें आवाज भी बहुत होता है। कोई नहीं, थोड़ा सा डर में ही तो मजा है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुका है। अपने लाइफ में कुछ अच्छा और फिर बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। किसको, तुमको या हमको? अच्छा तुमको, अरे हमको देख रहा होगा। ठीक है ना, पक्का? बस कोई ठोक ना रहे। ओके चलो, ठोकने का नहीं बॉस, ठोकने का नहीं, आराम से चल लेगा, आराम से चल लेगा बॉस। तो गाइस चलो यहाँ थोड़ा सा पुल करते हैं। ओ, ओ, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे ऐसे कर रही है। नहीं करूंगा यार, डरा रहा हूँ। जस्ट अच्छा परफेक्ट जोड़ी है। बारिश पड़ता है, होएगा। थैंक यू। मैं झूठ नहीं बोलता, जो बोलता हूँ करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। और क्या चाहिए तुमको? नहीं, नहीं। कुछ तो नहीं। कुछ डिमांड करो। ऐसा है क्या? करके तो देखो। गाइस अभी हम लोग उस वाले मोड़ पे थे और बारिश आ गया, इसलिए फटाफट से अभी हम लोग ये वाला कैफे बगल में मिला, तो अभी हम लोग ये कैफे में आ गए। कैफे में चल के कुछ देर बैठते हैं, अगर बारिश वगैरह कम गया तो फिर सूट वगैरह करेंगे, वरना भाई देखते हैं क्या सीन बनता है। बाइक राइड तो तुमको ज्यादा नहीं दे पाया, थोड़ा सा ही हुआ। हमें को नहीं चाहिए। ओ, चाहिए भी नहीं। चाहिए किसको बाइक राइड, है ना? क्या बाइक से? बहुत गंदा वाला। कब हुआ था? बहुत टाइम, मैंने हो गया होगा, डेढ़ साल हो गया होगा, डेढ़ साल। कैसे गिर गई? डेढ़ दो साल। अरे स्कूटी का वो जो था ना पहिया, हाँ वो ट्राम लाइन में आ गया था ना, हाँ। और बारिश हो रहा था, और बारिश हो रहा था सिर्फ इसीलिए, और ना जैसे पूरा ऐसे पूरा ये हो गया, और हम जस्ट बस का सामने आके गिरे, और मेरा थांग बहुत प्यारी लग रही है। तुम कुछ भी बोलती हो अच्छा लगता है, इसलिए तुम ध्यान से सोच रहे हो। हाँ अरे जो भी देना है दिल से दिया जाता है, दिल से देने वाले सारी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मन इतना अच्छा फ्लर्ट करता है ना, उसका फ्लर्टिंग का जितना लाइन्स है ना, उसको आप लोगों को एक बुक में उतारना चाहिए। बाय द वे ये जो कैफे है ना, यहाँ पे मेरे से पहले ये आई थी, तुम कल या परसों यहाँ पे आई, बहुत बार आई हो ना? ये क्या मतलब मूवी वगैरह का लगा ना? तो हम लोग मूवी चल रहे हैं क्या? नहीं, मतलब कुछ नहीं। हम लोग चल सकते हैं क्या? हाँ। ये मेरे लिए कॉफी बना के दे रही है, मतलब कॉफी में शुगर मिला करके दे रही है, मिठास। तुम चाहो तो हम इसको पी के भी मीठा कर सकते हैं। गाइस फ्लर्ट कर रही है, गाइस लड़की फ्लर्ट कर रही है मेरे साथ। शर्म करो कुछ।
कुछ तो शर्म करो। हाँ कब से वेट कर रहा हूँ, आधा घंटा तो अंदर आ जाना था। भाई लोग आधे घंटे से वेट कर रहे हैं और भाई का बाइक ये है, बहुत अच्छा लगा मिलकर। क्या नाम है? मेरा नाम तुषार सिंह। तुषार? रोहित। रोहित भाई का ये बाइक है। और यहाँ पे क्या लगाए हो बाइक पे? एससी प्रोजेक्ट लगाया हुआ है भाई, तो आराम से चलाना। हाँ भाई, ठीक है, सेफली चलाना। फिर मिलेंगे। तुम्हारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था किसी फैन के साथ में, तो कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। वो लोग इतने प्यारे, मतलब दो लड़के थे और वो लोग आधे घंटे से वेट कर रहे थे। और मतलब जैसे हमने पूछा भैया 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 फोटो लेना है, और कितना क्यूट थे, मतलब प्यारे तरीके से ट्रीट किया। तो यही तो कमाई है भाई यूट्यूब पे, यही चीज अच्छा लगता है ना, मतलब दिल को सुकून मिलता है कि लोग हमको जानते हैं, पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, तो यही सुकून है। फिलहाल इसको मैंने बाइक पे बिठा दिया कि ना हम लोगों को थोड़ा सा थंबनेल वगैरह निकालना है। क्या अरे चलाने थोड़ी दिया, जस्ट बैठी हुई हो तुम तो इतनी लंबी भी हो। लोग देख रहे हैं, शर्म आ रही। शर्माओ मत यार, ब्लॉगर बनने के लिए ना थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ता है। और यहाँ पे ना हमारा एक प्यारा सा भाई आ गया, डॉगी भाई, बट इसको ना डॉगी से बहुत डर लगता है, इसलिए उस पर जाके खड़ी। आजा 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 पाई। सच में डर लगता है क्या तुमको? दो चीजों से डर लगता है, एक बाइक से, एक कुत्ते से, और किससे? चलो वो तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो डरने वाला बात नहीं है। चलो जाओ भाई, टाटा टाटा जाओ, जल्दी कटक लो, चलो बाबा, चलो टाटा। पूरा पहाड़ निकली चुहिया। ना छोटा सा पिज्जा, सीरियसली कितना बड़ा बड़ा डब्बा था, मतलब नहीं मतलब एक्चुअली ये ऐसे गोल में तो ठीक है, थोड़ा सा वो थिकनेस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था ना। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लास्ट डे भी हम लोग यहीं पे आए थे, तब हम लोगों ने सैंडविच और कॉफी लिया था, आज हम लोगों ने ये पिज्जा लिया है। ओके